রাজ্যের আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাসে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে আগামী কিছুদিনের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই অনুযায়ী মঙ্গলবার ভোর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মাঝারি এবং ভারী বর্ষণ চলছে এবং আগামী দুদিনই বর্ষণ চলবে বলে জানা যায়। এ বিষয়ে আমাদের ভয়েস এটিনের সাথে এক্সক্লুসিভ এক ফোন আলাপে জানিয়েছেন ইন্ডিয়া মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের অধিকর্তা নহস কুরনানি। हाँ नमस्कार सर, स्वागत है हमारे वॉइस एटिन चैनल पे आपको। मैं हूँ प्रहेली। बोलिए मैडम। हाँ सर, आज स्टेट के काफी जगह पर आज बारिश हो रही है, आपके पास क्या अपडेट्स हैं सर? मैडम, रिगार्डिंग कैलाशर सिटी ना, ऊनाकोट डिस्ट्रिक्ट। ओके, पटन सिर्फ ऊनाकोट डिस्ट्रिक्ट के लिए। यस सर। हाँ ओके, तो मैडम हमने पहली एक हमारा जो वेदर फोरकास्ट रहता है उसमें हमने 3 days बिफोर ही बोला था कि नेक्स्ट आज से नेक्स्ट 3-4 days तक कंटिन्यू अपने ऊपर अपने अगरतला के और त्रिपुरा के ऊपर बारिश होने का लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का संभावना हमने बताया था, फोरकास्टिंग बताया था। और उसी के चलते समय आज से भी कल भी आज और नेक्स्ट 3 days अच्छा बारिश अपना त्रिपुरा के ऊपर होने का संभावना है। ठीक है सर, तो कलकत्ता पर जो चक्रवात हो रही है ऐसा कुछ सिम्टम है क्या त्रिपुरा पे? हाँ मैडम, उसका जो चक्रवात जो है अभी तो कलकत्ता पे नहीं है, अभी विशाखापट्टनम और उस एरिया पे है। उसके बाद वो रिकर होके थोड़ा सा ऊपर कलकत्ता के और उड़ीसा के साइड में जाएगा। ओके, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट त्रिपुरा के ऊपर हमारे ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद लेकिन उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट जो बोल रहे हैं हम, जो आउटर बैंड रहते हैं साइक्लोन के, तो आउटर बैंड के वजह से जो रेनफॉल होता है अपना, उसके वजह से हमारा त्रिपुरा के ऊपर बारिश हो रहा है। ठीक है सर, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफिशियल नहोश कुलकर्णी। ओके सर, थैंक यू। জানিয়েছেন বিশাখাপত্তনমে যে ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়েছে সেটা কলকাতা আসার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, তবে ত্রিপুরাতে সেটার তেমন প্রভাব না পড়লেও হালকা প্রভাবের সম্ভাবনা রয়েছে।